गया मिस्टर मूसी। अब तुम उस पाँव का ख्याल रखना और जो कुछ भी मैंने बताया वो करना, बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक होगा। ओह यू वेलकम, मदद करने की खुशी हुई। तुम्हें एक घड़ी मिली है, तुम एक घड़ी बनना चाहते हो? तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। नहीं, तुम हो लेट। मैं लेट हूँ एक बहुत जरूरी डेट के लिए, शुगर क्यूब कॉर्नर में प्रिंसेस सेलेस्टिया के साथ खाना खाने के लिए। ओह, प्रिंसेस वहाँ पोनीविल में एक पार्टी के लिए आई है और हम सबने प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ आएंगी, पर मैं वहाँ नहीं हूँ। क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? क्या मुझे कुछ ले जाना चाहिए? पार्टी शुरू हो रही है, मैं इसे मिस कर दूंगी। थैंक्स एंजल। मेरा मतलब, अगर तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया होता तो शायद मुझे याद ही नहीं आता और फिर मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। ओह राइट, मैं लेट हो रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। बताओ प्रिंसेस के रॉयल गार्ड्स में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? पैसे कितने मिलेंगे? हेलो, कोई घर पर है? ओ, तुम इसमें बहुत माहिर हो, कुछ ज्यादा ही मैं बोल रही हूँ। पहुंच गई। रुक जाओ, कौन हो तुम? कोई नहीं, मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं सर्स, वो लिस्ट में है। थैंक्स ट्वाइलाइट। अच्छा हुआ कि तुम आ गई फ्लटरशाई, तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। सब लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए डियरीज? ओ, मेरा मतलब एस्टीम्ड गेस्ट्स। सब कुछ बढ़िया है मिस्टर एंड मिसेस केक। माफ करना, पर मुझे एक पेशेंट का इलाज करना था। ओह, तुम और तुम्हारा एनिमल्स के लिए प्यार, मुझे पता है प्रिंसेस सेलेस्टिया को तुम्हारी ये बात पसंद आएगी। मेरा मतलब, मुझे उम्मीद है, मेरा मतलब बिल्कुल पसंद आएगी। वाह ट्वाइलाइट, मुझे लगा सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जो पार्टीज में नर्वस होती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि प्रिंसेस सेलेस्टिया को मेरे दोस्त पसंद आए। पर वो हमसे पहले भी मिल चुकी है। तुम्हारे बारे में लेटर्स में पढ़ चुकी है, पर इस बार पहली बार वो तुम लोगों के साथ में वक्त बिता रही है। मैं चाहती हूँ हर पोनी अच्छा इम्प्रेशन जमाए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसके अलावा ये बस एक कैजुअल गेट टुगेदर ही तो है। मुझे छूना मत, ड्रेस संभाल कर, ध्यान से, तुम वो मुझ पर गिराने वाले हो। ओ, ये देखने में स्वादिष्ट लग रहा है, क्या इससे दाग पड़ सकता है? इसे मुझसे दूर ही रखो। शायद इतना कैजुअल भी नहीं है। इनमें से सैलेड कौन सा है और एपेटाइजर कौन सा? इनमें से मुझे पहले क्या खाना चाहिए? आ, 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 ओ जाने दो, मुझे भूख नहीं लगी है। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, माना हमारे दोस्तों के मैनर्स थोड़े से ठीक नहीं, पर प्रिंसेस को पता नहीं चलेगा। कपकेक्स, कैंडीज, ओ माय, ओ माय, चॉकलेट फाउंटेन, माय गुडनेस। क्या तुम इसे खाने वाली हो?
मैं माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी। ओह कोई बात नहीं, थैंक यू। चाय का कप खाली है। मैंने देख लिए हनी बन। ओह थैंक यू। कोई बात नहीं योर मैजेस्टी। थैंक यू अगेन। कोई बात नहीं योर मैजेस्टी। बस करो। और तुम कैसी हो फ्लटरशाय, है ना? मैं? हाँ योर हाइनेस। मुझे ट्वाइलाइट के लेटर से पता चला कि तुम्हें वुडलैंड्स के जानवरों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे जानवरों की देखभाल करना पसंद है। मुझे भी, प्रिंसेस होने के नाते सभी छोटे बड़े जानवरों की बहुत परवाह करती हूँ। मेरे लिए अपनी प्रजा की भलाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आह फिलोमिना मेरी प्यारी, तुम उठ गई? हमारे दोस्तों से हेलो कहो। ओह माय, ये कितनी खूबसूरत है ना? मैंने इसके जैसे कुछ पहले कभी नहीं देखा। वाकई? वेल, अगर ऐसा है तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, मुझे पार्टी से जल्दी निकलना होगा। मेयर मुझसे मिलना चाहती हैं। रॉयल ड्यूटी का टाइम। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल टाइम। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं खा सकती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जहाँ हो वही खड़ी रहो, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल खाली चाहिए। अगर कोई हिलेगा तो मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। पीछे हटो, मैंने कहा पीछे। वेल स्पाइक, मैं नहीं जानती प्रिंसेस के साथ यहाँ क्या हुआ, पर शुक्र है कि यहाँ पर कम से कम कोई तबाही तो नहीं हुई। बेचारा पंछी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? चिंता मत करो फिलोमिना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी प्रिंसेस के लिए, जो कि तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है। मुझे यकीन है प्रिंसेस को ये अच्छा लगेगा। ओह माय, हमें तुम्हें बेड पर सुलाना होगा। ये लो। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी बुरी हालत में है, तुम्हें तो दवा की। ये लो फिलोमिना, इससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। डॉक्टर फ्लटरशाय जानती थी ये होगा। ये हमेशा काम करता है, लगभग हमेशा। किसी भी बीमारी के लिए घर के सूप से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। देखा ये कितना स्वादिष्ट है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आई चुक चुक रेलगाड़ी, चुक 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 चुक, वूहू। चिंता मत करो फिलोमिना, मैं जानती हूँ तुम किससे अच्छा महसूस करोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
ये देखो फिलोमिना, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मैं एक प्यारे से पंछी दोस्त को लाई हूँ। हमिंगवे जब यहाँ आया था तो बहुत बीमार था, पर उसने मुझे अपनी मदद करने दी और वो जल्दी ठीक हो गया है ना दोस्त। अपने नए दोस्त फिलोमिना को हेलो कहो। देखा, मेरे ख्याल से इसे तुम पसंद आई। तुम्हारी बारी फिलोमिना, शाबाश, तुम ये कर सकती हो। अच्छी कोशिश थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे गले की खराश कैसे ठीक होगी एक ह्यूमिडिफायर से। रिफ्रेशिंग। अब तुम्हें कैसा लग रहा है फिलोमिना, बेहतर? बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए और भी बहुत सारे तरीके जानती हूँ। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक होगी। अरोमा थेरेपी करोगी? गर्म पानी से नहाना। मिलना चाहती थी और तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि प्रिंसेस पर तुमने इतना अच्छा इंप्रेशन जमाया था। सेलेस्टिया की पेट यहाँ क्या कर रही है? बेचारी को वहाँ छोड़ नहीं पाई, इसे मदद की जरूरत थी। ओह नहीं 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 नहीं, ये गलत है। पर मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। पर ये तुम्हारी नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही था। किसी को बताए बिना, किसी की इजाजत लिए बिना। पर मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा नेक था, पर तुम्हें प्रिंसेस की पेट को लौटाना ही होगा। तुम सही कह रही हो, ठीक है, अब जाओ। अगर हम जल्दी करें तो किसी को पता चलने से पहले हम इसे इसकी जगह पर रख सकते हैं। हमें बताया गया था कि टॉयलेट स्पार्कल हमें यहाँ मिल सकती है। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है मिस कि रॉयल पेट गायब हो गई है। सच में? क्या बात कर रहे हो? ठंडी हवा की वजह से है। पर अभी तो दिन है। दिन की हवा और भी ठंडी है। अगर तुम गार्ड्स को प्रिंसेस की पेट को ढूंढना है तो तुम्हें अब चलना चाहिए। फिर अमीरा है ना, मुझे खबर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। तुम क्या कर रही हो? अमीरा को लौटाने जा रही हूँ, याद है? अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ क्या करेंगी अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनका पेट चुराया था। क्या तुम्हें पता है? नहीं, पर ये अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हें इक्वेस्ट्रिया से बाहर निकलवा सकती है, या फिर तुम्हें जेल में डलवा सकती है, या फिर तुम्हें यहाँ से निकाल कर उस जगह पर जेल में बंद करवा दे जहाँ वो तुम्हें भेजेंगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है प्रिंसेस ऐसा करेंगी? ओके, हो सकता है ऐसा ना हो, पर फिर भी क्या तुम चांस लेना चाहती हो? मेरे लिए बस ये बात मायने रखती है कि वो बेचारी फिलोमिना ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो फ्लटरशाय। जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखूंगी, और फिर तुम भी मुझे लेटर लिखना, ठीक है? प्लीज ट्वाइलाइट, तुम्हें फिलोमिना को ठीक करने में मेरी मदद करनी होगी और फिर हम उसे वापस लौटा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा।
क्या तुमने इसे कोई दवाई दी है? मैंने कोशिश की मगर वो कोई भी दवाई नहीं लेती। तो फिर तुम्हें इसे दवा खिलानी होगी। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें इस पेशेंट को दिखाना होगा कि बॉस कौन है। इसे ठीक करके उड़ाना होगा। वो उड़ नहीं सकती। कोई बहाना नहीं चलेगा। हो गया, ठीक है, अब और क्या? वो अपने पंख उखाड़ती रहती है। मेरा मतलब वो पंख जो इसके खांसने के बावजूद बच गए हैं। ये लो, हो गया। मुझे नहीं लगता ये इसे पसंद आएगा। मजबूरी है। तुम चाहती हो ना कि ये ठीक हो जाए? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। उसे आराम करने की सख्त जरूरत है पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। तुमने कहा और काम हो गया। ये तुम्हारी भलाई के लिए है फिलोमिना। प्लीज आराम करो और नींद लेने की कोशिश करो। जहाँ ये सूप कैसा है? इसकी खुशबू तो बढ़िया है। मैंने ये फिलोमिना के लिए बनाया था पर इसने उसे मुंह तक नहीं लगाया। ओह, मैं देखती हूँ इसे कैसे नहीं पीती। ये तो क्या कर रही हो? नहीं फिलोमिना, वापस आओ। यहाँ क्या हो रहा है ट्वाइलाइट? जी योर मैजेस्टी, एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब मेरी गलती है। नहीं प्रिंसेस, फ्लटरशाई को कुछ नहीं पता था। सब मेरी गलती है। ये मैंने किया है। पर तुम तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कोशिश तो की थी। तुम ये मुझे संभालने दोगी? वो मेरे साथ नरमी से पेश आएंगी। लेकिन ये मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। रुको, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बचाने की कोशिश करने के लिए थैंक्स ट्वाइलाइट, पर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैंने ही आपका पालतू पंछी लिया था। मैं उस बेचारे प्यारे पंछी की मदद करने की कोशिश कर रही थी और बाद में उसे आपके पास लाने वाली थी। तो अगर आप मुझे दूर किसी जेल में डालना चाहती हैं तो डाल दीजिए, मुझे आपकी सजा मंजूर है। ओ, बदमाशी करना बंद करो फिलोमिना, तुम इन्हें डरा रही हो। यही फिलोमिना है। ये कितनी सुंदर है जैसा कि मैंने कहा था, पर फीनिक्स ऐसे ही होते हैं। मैंने सही कहा ना फिलोमिना? एक फीनिक्स? फीनिक्स एक बेहद सुंदर और जादुई पंछी है। ज्यादातर समय ये खुश और स्वस्थ दिखाई देता है। कभी कभी इन्हें अपने सारे पंख गिराकर और आग में बदलकर एक नई शुरुआत करनी होती है। मेरी मानो ये थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद ये राख से दोबारा जन्म लेता है।
बिल्कुल किसी नए पंछी की तरह। ये इनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ शरारत कर रही थी। माफी मांगो यंग लेडी। तो आप मुझे यहाँ से नहीं निकालने वाली या मुझे जेल में बंद नहीं करेंगी या फिर मुझे किसी और जगह नहीं भेजेंगी? बिल्कुल नहीं प्यारी पोनी, आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। फ्लटरशाय ने फिलोमिना का ख्याल रखने के लिए जो बन पड़ा वो सब कुछ किया। और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देती कि फिलोमिना एक फीनिक्स है, तो तुम्हें इतनी परेशानी ना होती। जानती हूँ, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना था। अगली बार चीजें हाथों में लेने से पहले मैं पूछूंगी जरूर। क्या मैं इस लेसन के लिए आपको लेटर लिखूं प्रिंसेस? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये मुझे याद रहेगा। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फिलोमिना, बुरा मत मानना। लंच टाइम। भूख किसे लगी है? सबके लिए काफी खाना है। आराम से स्वीटी। ये रहा तुम्हारे लिए। ठीक है मिस्टर पिकी पैंट्स, तुम जीते। गाजर, पालक और एप्पल्स, यम यम यम। क्या? लेकिन वेल, तो फिर तुम क्या खाओगे? मुझे पता नहीं मैं ये बना भी सकती हूँ या नहीं। वेल, मैं नहीं चाहती कि तुम भूखे रहो। ओ, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें एक स्वादिष्ट को मैं तुम्हारी स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। चलो देखते हैं एस्पेरिगस। मेरे ख्याल से तुम मेरे आगे खड़े हो गए। Excuse me, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलती हुई है। देखो मैं यहाँ पहले आई थी। Sorry, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जानती हूँ। अच्छा। माफ कीजिएगा सर। बोलो क्या बात है? शायद आप लाइन तोड़कर मुझसे आगे खड़े हो गए। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो पहले ही आगे खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे ख्याल से आप मुझसे आगे आकर खड़े हो गए। नहीं कोई बात नहीं, मैं पहले ही तुम्हारे आगे हूँ। हाँ मैंने देखा। तुम पीछे हटोगी? hey! तुम मेरे पर्सनल स्पेस में खड़ी हो। लेकिन सीरियसली, क्या तुम्हें एस्पेरेगस की इतनी जरूरत है? ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फ्लटरशाय, सबको तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी से भी बड़ी बात है, ये डबल बड़ी है। तुम एक ऐसी पोनी हो जिसे प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ओ, जरूर पिंकी, पहले तुम। हाँ यही यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें सीधी पोनी बनना बंद करना पड़ेगा। सीधी पोनी? एक आसानी से मान जाने वाली पोनी। तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी होगी। वादा करो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ओह अच्छा, ओह ठीक है, कोई बात नहीं। देखो और सीखो। वही रुक जाओ मिस्टर स्मॉल एंड हैंडसम। कौन मैं? हाँ तुम और कौन? क्या तुम्हें पहले कभी किसी पोनी ने हैंडसम नहीं कहा? सोचने दो, नहीं कभी नहीं।
वेल, उन्हें कहना चाहिए जरा मेरे लिए एक बार अपनी मसल्स तो दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम स्टैलियन मेरी दोस्त का ये आखिरी एस्पैरेगस दे सकता है? देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। शायद नहीं। तो फिर ठीक है, तुम्हारी लिस्ट में और क्या है? देखते हैं, मुझे टमाटर भी चाहिए। ये लो। इनके हुए 2 बिट्स, ना कि 1। पर पिछले हफ्ते इसकी कीमत 1 बिट थी। वो तब थी, लेकिन ये अब है। ओह ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। ये तुम क्या कर रही हो? मेरा काम मुझ पर छोड़ दो और खुद का काम देखो, समझी? इतने से टमाटरों के 2 बिट्स, इसकी सही कीमत 1 ही बिट है। मैंने कहा 2 बिट्स। 1 बिट, 2 बिट्स, 1 बिट, 2 बिट्स, 1 बिट, 2 बिट्स, 2 बिट्स, 1 बिट, 2 बिट्स, 1 बिट। मैं आखिरी बार कह रही हूँ 2 बिट्स नहीं तो मैं चली। मेरा आखिरी ऑफर है 1 बिट। जैसा तुमने कहा ये रहा 1 बिट। देखा तुमने, ये कितना आसान था। मेरे ख्याल से तुम सही हो। तो फ्लटरशाय, क्या तुम अब कोशिश करना चाहोगी? ठीक है, मुझे वो चेरी चाहिए। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चेरी बची है। मैं एक स्पेशल मील बना रही हूँ अपने बनी एंजल के लिए और वो बहुत ही नखरे वाला है। ये लो। तो तुम्हें इस चेरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों? ओ हाँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो फिर इसकी कीमत है 10 बिट्स। 10? Hey, Mr. Handsome, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही काम ही करोगे, क्योंकि तुम हैंडसम और स्ट्रांग हो और स्ट्रांग पोनीज के साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं। चेरी के 10 बिट्स। एक चेरी के लिए 10 बिट्स, ये तो सरेआम लूट है। मैं तो तुम्हें इसके बस 11 बिट्स दूंगी। 11 बिट्स? मेरा मतलब 9 बिट्स। एक मिनट रुको। ठीक है, 12 बिट्स, पर ये मेरा फाइनल ऑफर है। मेरे ख्याल से तुम कंफ्यूज हो गई हो। 12 बिट्स मंजूर है या नहीं? ठीक है, मेरे लिए अच्छा ही है। उसे पैसे मत दो, एक चेरी की कीमत 12 बिट्स नहीं हो सकती। पर मैं तो वही कर रही थी जो तुमने किया था। ये अच्छी कोशिश थी, पर तुम्हें इसे अपनी मेहनत के पैसे नहीं देने चाहिए। पर मैं एंजल को भूखा भी नहीं रहने दे सकती, जब तक मैं इसे ठीक से ना बना लूं वो नहीं खाएगा। मुझे वो चेरी चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसी बात है तो 20 बिट्स। 20? ओ, पर मेरे पास इतने तो नहीं है। फिर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। इस चेरी के 2 बिट्स। ठीक है, अच्छी कोशिश थी बच्ची, अगली बार इतनी भोली मत बनना। माफ करना, इसके ऊपर चेरी नहीं है, पर बाकी पूरी डिश ठीक वैसी की वैसी ही है। जरा देखो मुझे, मैं सच में बहुत भोली हूँ। इच्छा शक्ति से भोले लोग भी बन सकते हैं होशियार। मन की बात सेमिनार आज होने वाली है हेज में सेंटर में। सेलेस्टिया की कसम, मैं अब किसी को भी खुद के आगे नहीं निकलने दूंगी। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है आयन वेल और आज आपकी नई जिंदगी का पहला दिन है। अगर आप दूसरों के धक्के खाकर थक चुके हैं तो मेरे साथ आ जाइए। ताली बजाइए अगर आप भोलेपन की वजह से परेशान हो चुके हैं। ताली बजाइए अगर आप इस सेमिनार पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। क्या मजाक क्या कह रहा है ये? ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों,
आयरन विल को पूरा विश्वास है कि assertiveness टेक्निक से 100% लोग सेटिस्फाइड होंगे, और अगर नहीं हुए तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है। पर मुझे दया आती है उस मूर्ख पर जिसे आयरन विल के तरीकों पर शक है, क्या तुम्हें है? ओह, नहीं। तो ये था मेरे दोस्तों मेरा पहला सबक, शर्माइए मत, उनकी आंखों में देखिए। और अब देखने के लिए कि आयरन विल के तरीके सच में काम करते हैं या नहीं, मुझे जरूरत होगी एक वॉलंटियर की। आइए सबसे पिछली रो से। कौन मैं? हाँ आप, आयरन विल चाहता है कि आप स्टेज पर आए। अभी ठीक है। ओ, तो वो तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, तुम इससे कैसे निपटोगी? शांति से उसके पीछे निकलकर? नहीं। धीरे से उसके पास से निकलकर? नहीं। घर जाऊंगी और कल ट्राई करूंगी। नहीं, जब कोई बॉनी करे तुम्हें ब्लॉक तो दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। माफ करना। मत मांगो माफी, बल्कि सीखो दूसरों की गलती के लिए कभी माफी मत मांगो। क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? अब तुम भी करो। अगली बार मेरे रास्ते से हट जाना इससे पहले कि मैं तुम्हें टक्कर मार दूं, क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी, समझ गए? देखा दोस्तों, अगर मेरी टेक्निक्स इस शर्मीली पोनी के काम आ सकती है तो फिर वो किसी के भी काम आ सकती है। रहा है, मैं दिन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ जैसा कि आयरन विल कहता है। माफ करना मिस्टर ग्रीन हूफ्स, पर मेरे ख्याल से आप मेरे पेटियोनिया को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं। ये काम तुम प्रोफेशनल्स पर ही छोड़ दो। मुझे एक बार फिर टालने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए टल जाओगे। Well, शायद इतना पानी काफी है। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इससे काम बन गया। शो पोनी बिजनेस बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अपना कोई जोक मुझ पर ट्राई करो, मुझे सब पर हंसी आती है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक गधा और एक खच्चर एक सुनसान आइलैंड पर फंस गए थे। Excuse me, क्या आप अपनी काट हटा लेंगे ताकि मैं निकल सकूं? हाँ हाँ, बस एक मिनट में अपनी कहानी पूरी कर लो। हाँ, तो गधा खच्चर से कहता है कि हम, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? हाँ हाँ, एक मिनट। तो गधा खच्चर से कहता है कि जब कोई करे आपको ब्लॉक, दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। और फिर खच्चर, ओह आराम से करो, हम जा रहे हैं ना। गुड। अगला कौन है और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे ख्याल से शायद 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 से काम नहीं चलेगा। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहीं चली जाओ। हे, जरा देखो, तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत ही बहादुरी वाला है, बहुत ही शानदार। लगता है उस मॉन्स्टर की वर्कशॉप वाकई काम कर रही है। आयरन मिल कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक मिनिटर है और एक सच्ची प्रेरणा। उनकी टेक्निक्स वाकई काम करती हैं। वेल, उनकी वजह से तुम्हारे अंदर काफी बदलाव आ गया है, तुम एक बिल्कुल नई फ्लटरशाई बन गई हो। हाँ सही कहा, और नई फ्लटरशाई अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल, पुरानी पिंकी बाई को नई फ्लटरशाई पर बहुत गर्व है, बिल्कुल इस पिंक पंच की तरह। तुम लेना चाहोगी? तुम मुझ पर हंसी, मुझे पसंद नहीं आया। बाय गर्ल्स। कितना अच्छा दिन है। टैक्सी। ओ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
पुरानी पिंकी पाई को नहीं लग रहा कि ये नई फ्लटरशाई वाला आइडिया इतना अच्छा है? पुरानी रारिटी को भी यही लगता है। तुम ये कर सकती हो न्यू फ्लटरशाई, आज का दिन तुम्हारा दिन है और कोई भी पोनी इसे तुमसे छीन नहीं सकती। मैंने सही कहा ना? हाँ। क्या? उसने गलत खत डिलीवर किया है फिर से? नई फ्लटरशाई नहीं चाहती कि उसके कॉटेज पर गलत खत पहुंचाया जाए। क्या मैंने उन्हें फिर से मिक्स कर दिया? माफ करना मुझे। तुम माफी मांगोगे, मैं सजा दूंगी। एक्सक्यूज मी, आप बता सकती हैं पोनीविल टावर कैसे चाहते हैं? हाँ जरूर, आप। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझसे कुछ पूछा, मुझे आ गया गुस्सा। फ्लटरशाई, तुम क्या कर रही हो? ये बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं उसने नई फ्लटरशाई के साथ क्या किया? और उसे लगा कि वो फ्लटरशाई को यूं ही टाल सकता है। नहीं स्वीटी, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हम सब ने देखा। लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। क्या तुम चाहती हो नई फ्लटरशाई पुरानी फ्लटरशाई की तरह बेचारी बन जाए? पर पुरानी फ्लटरशाई अब जा चुकी है। नई फ्लटरशाई, पुरानी फ्लटरशाई, लेकिन अच्छी फ्लटरशाई को क्या हुआ? हमें वो फ्लटरशाई वापस चाहिए। नहीं, तुम्हें कमजोर फ्लटरशाई चाहिए। तुम्हें आसानी से रास्ते से हट जाने वाली फ्लटरशाई वापस चाहिए। तुम्हें शिकायत नहीं करने वाली फ्लटरशाई चाहिए। फ्लटरशाई की गिनती बढ़ती जा रही है, कोई इसे रोको। क्या तुम्हारे छोटे दिमाग के लिए ये बात बहुत बड़ी होती जा रही है पिंकी पाई? अब बस भी करो, इस बातचीत में हमें एक दूसरे की बेकार में बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? मुझे लगा बेकार शब्द से तुम्हारा पुराना रिश्ता है रैरिटी। फैशन को लेकर तुम्हारी बेकार की चिंता है। हे, उसे अकेला छोड़ दो, फैशन उसका पैशन है। और तुम्हारा पैशन क्या है? बर्थडे केक, पार्टी हैट्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पोनीवेल के दो सबसे बेकार पोनीज नई फ्लटरशाई को सिखा रही है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए, जबकि वो खुद अपनी जिंदगी बेकार चीजों के पीछे भागकर बर्बाद कर रही है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। लगता है पागल फ्लटरशाई हमेशा यही रहेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा उस मॉन्स्टर आयनविल ने तुम्हें क्या बना दिया है। आयनविल कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक मैनेजर है। मॉन्स्टर तो मैं हूँ। फ्लटरशाई, क्या तुम वहाँ अंदर हो? ये हम हैं पिंकी और रैरिटी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि सन की फ्लटरशाई जाग जाए। ओह स्वीटी, हम कल के लिए माफी मांगना चाहते हैं। तुम्हारी गलती है। पिंकी सही कह रही है, ये सारी मेरी गलती है, पर चिंता मत करो, मैं दोबारा कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाली। सारी पोनी सुरक्षित रहेंगी अगर मैं और मेरी बदतमीजी यहाँ बंद रहे। स्वीटी, जो हुआ उसके लिए मैं और पिंकी तुम्हें दोष नहीं दे रही, तुम्हें बस उस आयनविल कैरेक्टर ने थोड़ी सी बुरी सलाह दी थी। हाँ, उसी की वजह से तुम पागलों की तरह बिहेव कर रही हो। मेरा मतलब है कि चिल्लाने के अलावा अपनी बात कहने के और भी कई तरीके हैं। हाँ, तुम अपनी बात दूसरों को बुरा महसूस कराए बिना कह सकती हो। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। जब भी मैं अपनी बात सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं एक मॉन्स्टर बन जाती हूँ। ओह स्वीटी, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। नहीं, पर वो है। आयनविल है मेरा नाम, पोनीज को ट्रेन करना है मेरा काम। कितनी अच्छी कैच फ्रेज है। तुम्हारी दोस्त फ्लटरशाई को आयनविल की बातें पसंद आईं। मैंने सुना है कि वो अब किसी भी पोनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी फी लेने के लिए। फ्लटरशाई उस बदमाश से मिलने की हालत में नहीं है। मुझे यकीन है तुम जैसे एक बड़े बहादुर ताकतवर और अमीर मॉन्स्टर, मेरा मतलब मेंटोर को अभी इस वक्त उस पैसे की जरूरत नहीं है। तुम बाद में वापस आ सकते हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? फ्लटरशाई को पहले ही पैसे दे देने चाहिए थे। मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। कुछ करो, हमें नहीं पता
कटिशा इस वक्त घर पर है भी या नहीं। हो सकता है वो अभी जंगली जानवरों के साथ घूमने गई हो। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि हम उसे ढूंढ सके। लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी है। बोल देना मैं दोपहर में वापस आऊँगा। पर ये तो बस आधा दिन हुआ, हमें एक पूरा दिन चाहिए कम से कम। मैं सिर्फ आधा दिन ही दे सकता हूँ, पूरा दिन नहीं। एक पूरा दिन। आधा दिन। पूरा दिन। आधा दिन। आधा दिन। पूरा दिन। हमें आधा दिन चाहिए, उसे एक मिनट भी ऊपर नहीं। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ पूरे दिन दे सकता हूँ। ओकी डोकी, कल मिलते हैं। एक मिनट, क्या कहा मैंने? ओ, लगता है तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनविल अभी पैसे लेगा। पर हमारी बात हुई थी, तुम्हें कल वापस आना होगा। जब कोई करे तुम्हें ब्लॉक, दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। तुम्हारा पेमेंट बाकी है फ्लटरशाय। तुम सीधी साधी और भोली भाली हुआ करती थी और मैंने तुम्हें एक बहादुर मीन मशीन में बदल दिया है। अब एनविल को उसकी फीस वापस दो। नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। ओह, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, क्योंकि एनविल को जल्द ही उसकी फीस नहीं मिली तो वो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। जितना मुझे याद है, तुमने अपनी वर्कशॉप में वादा किया था कि 100% सेटिस्फेक्शन ना मिले तो फीस देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं सेटिस्फाइड नहीं। क्या मतलब तुम 100% सेटिस्फाइड नहीं हो? हमेशा हर एक पोनी सेटिस्फाइड हुई है। Well, मेरे ख्याल से फिर मैं पहली हूँ, पर अब जबकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं फीस नहीं देने वाली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हुई हो? क्योंकि शायद हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मेरा मतलब, हम दोनों ही समझदार हैं, क्यों है ना? मैं माफी चाहती हूँ, पर ना मतलब ना। ना मतलब ना? हाँ, मुझे आज तक किसी भी पोनी ने ऐसा नहीं कहा। मैं इसे याद रखूंगा। ये कैच फ्रेज मेरी अगली वर्कशॉप के लिए काम आएगी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने उस मॉन्स्टर का डट कर मुकाबला किया। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम वही पुरानी फ्लटरशाय हो जिसे हम हमेशा से पसंद करते आए हैं और जिसे हमने बहुत मिस किया। चिंता मत करो, पुरानी फ्लटरशाय अब लौट आई है। मेरी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, कभी कभी मुझ जैसी शर्मीली पोनी के लिए अपनी बात कह पाना बहुत मुश्किल होता है, और अब जब मैंने कोशिश की, मैं एक ऐसी पोनी बन गई जो खुद मुझे ही पसंद नहीं आई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अपनी बात कहने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। सभी पेगासस पोनीज के लिए बुलावा है, आज मीटिंग है। पोनीविल पेगासस के लिए जरूरी मीटिंग है। लाइब्रेरी आज रात, बनो सीधे नहीं तो बनो गधे। बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा। ठीक है, अंदर चलो, सीट ढूंढ लो। आहा, तुम भी फ्लटरशाय। कम ऑन, चलो चलते हैं। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। हर जिंदा चीज की जिंदगी बारिश के पानी पर निर्भर करती है, और ये क्लाउड्स टेल की जिम्मेदारी है कि वो एक्वेस्ट्रिया के हर कोने में पानी से भरे बादल पहुंचाए। लेकिन कैसे? क्या क्लाउड्स टेल सारे एक्स्ट्रा पानी को जमा करता है? टॉर्नेडो पावर,
सही कहा, बेगासाई का चलाया टॉर्नेडो पावर। बेगासाई की एक टीम अपने पंखों की ताकत को एक साथ मिलाकर एक जंबो टॉर्नेडो बनाती है, जो कि लोकल रिजर्वोयर से पानी खींचकर उसे क्लाउड्सडेल तक पहुंचाता है। याद रहे पेगासाई, ऊपर क्लाउड्सडेल तक पानी पहुंचाने के लिए तुम्हें कम से कम 800 विंग पावर की ताकत पैदा करनी होगी। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में ख्याल आए कि क्लाउड्सडेल में इतना सारा पानी कहां से आता है तो तो मजे की बात है कि क्लाउड्सडेल ने इक्वेस्ट्रिया में बारिश के पानी पहुंचाने के लिए अपने सोर्स के तौर पर हाईलैंड रिजर्वोयर को चुना है। और जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोनीविल की पेगासस को पानी ऊपर क्लाउड्सडेल तक पहुंचाना है। क्या सच में? मुझे तो लगता है ये सही कह रही है। बल्कि स्पिट फायर वंडरबोल्ट के कैप्टन वाटर ट्रांसफर की स्पीड को देखने और टोर्नाडो के विंड स्पीड को रिकॉर्ड करने यहाँ आएंगे। अब पिछले साल फिलाडेल्फिया ने विंड स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा और 910 विंग पावर की टॉप स्पीड पैदा कर ली, पर हम बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है हम 1000 विंग पावर की स्पीड पैदा कर सकते हैं। अगर हर एक पोनी ट्रेनिंग करे और अपनी विंग पावर बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करे। ये खांसने की आवाज़ पॉपकॉर्न की होनी चाहिए थंडरलेन। मेरे होते हुए कोई पोनी बीमार नहीं पड़ सकती। तो क्या तुम लोग कड़ी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? क्या हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे? क्या हम तेज बनेंगे? अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है क्लाउड चेजर, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है ब्लॉसम फोन। कोई पोनी ब्लॉसम फोन की मदद करेगी? और तेज करने की कोशिश करो थंडरलेन। अच्छी स्पीड है सिल्वर स्पीड, ऐसे ही मेहनत करो। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमें सारे की सारे विंग पावर की जरूरत पड़ेगी। गुड वर्क एवरी पोनी। एवरी पोनी से फ्लटरशाई को छोड़कर। फ्लटरशाय, जानती हूँ तुम अंदर हो, तुम टोर्नाडो ड्यूटी को नजरअंदाज कर रही हो, मैं जानती हूँ। फ्लटरशाय दरवाजा। अच्छू, हाय रेनबो डैश। फ्लटरशाय क्या हुआ तुम्हें? ओ, मुझे लगता है मुझे पोनी पॉक्स हुआ है। माफ करना, मैं सच में इस ट्रेनिंग के लिए आना चाहती थी, मगर इस पोनी पॉक्स की वजह से मेरी हालत खराब है। अच्छा, ओ बिचारी तुम। तुम्हें पता है इस पोनी पॉक्स का सिर्फ एक ही इलाज है। मैं जानती हूँ, बहुत सारा ठंडा पानी। देखो पोनी पॉक्स साफ हो रहे हैं। हाँ, अचानक से मुझे महसूस हो रहा है, बेहतर मैं इस रोप को उतार कर। मेरा पंख, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मुझे पंख में चोट लगी है। हाँ, नाटक बंद करो फ्लटरशाय, हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है। चलो अब बताओ आखिर बात क्या है। वो क्या है ना कि रेनबो डैश, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उड़ नहीं सकती। क्या बात कर रही हो? अभी पिछले हफ्ते तुमने वो खतरनाक नोज ड्राइव करके उस गिरे हुए बेबी बर्ड को बचाया था। पर वो अलग बात है, वो एक इमरजेंसी थी। ये टोर्नाडो वाली बात, ये एक तरह की परफॉर्मेंस है और मैं दूसरों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। क्या तुम्हें फ्लाइट कैंप याद नहीं? मैं ना तेज दौड़ पाई ना उड़ सकी, जब सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैं इतना भी बुरा नहीं था। तुम सही कह रही हो रेनबो डैश, वो बुरा नहीं था, वो बहुत ज्यादा बकवास था। बाकी बॉल्स मुझे चिढ़ाते थे बहुत ज्यादा। इस बार फिर से मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अब बस बहुत हो गया फ्लटरशाय, ये वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मुझे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हर एक पेगासस की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी भी। मुझे वो सारी की सारी विंग पावर चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता रेनबो डैश। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुको, मैं ये करूंगी।
तुम करोगी? हाँ करूँगी। तुम ये कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। वैसे ये मशीन क्या काम करती है? ये एक एनेमोमीटर है। ये तुम्हारी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी को मापती है और इसे विंग पावर में बदलती है। इस तरह हम तुम्हारे H2 एंटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को माप सकते हैं। और कोई सवाल है? हाँ, ये असल में क्या काम करती है? ये बता सकती है कि तुम कितने तेज उड़ सकते हो। अच्छा, ये बात है। काफी काम की है। क्या ये फिर से तुम ही हो थंडरलेन? प्लीज, हमें यहाँ एक जॉम फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। मैंने नहीं किया है, ब्लॉसम फोर्ट का काम है। चिंता मत करो ट्वाइलाइट, थंडरलेन बस टॉर्नेडो डे पर आराम करने का बहाना ढूंढ रही है। क्यों ना तुम यहाँ आकर हमारी पहली टेस्ट फ्लायर बनो थंडरलेन। हमें मिली है 9.3 विंग पावर। Not bad. अगर तुम इस हफ्ते के अंत तक अपने विंग पावर नंबर को 10 तक ले आते हो तो हम टोर्नेडो स्पीड का नया रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। हम बनेंगे नंबर 1। इंप्रेसिव फ्लटरशाय, तुम्हारी बारी। बताओ। नहीं तुम। बहुत अच्छे फ्लटरशाय, तुम्हारी पावर है 0.5। 0.5 क्या ये एक से भी कम होता है? आओ फ्लटरशाय, फ्लटरशाय, फ्लटरशाय। बेवकूफों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें स्टेज से डर लगने लगा। बहुत खूब, तुम सिर्फ इस वजह से हार नहीं मान सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। I'm sorry, Rainbow Dash, मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। अखरोट से बड़ी फ्लाइंग प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता। मैंने कोशिश की थी पर तुम्हें देखना चाहिए था, वो पोनी मुझ पर हंस रहे थे। मैं जानती हूँ आत्मविश्वास का होना जरूरी है। हाँ हाँ, मुझे याद है, नदी उफान पर थी और तुम बहुत डरे हुए थे। हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था कि कभी हार मत मानना। तुम सही हो मेरे दोस्तों, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने आत्मविश्वास को जगाऊंगी और सभी पोनीज को दिखाऊंगी कि मैं उड़ सकती हूँ। एक शानदार फ्लायर।
फ्लिटर, कल से काफी बेहतर है। ये बहुत शानदार है, हम उस रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाएंगे। क्या कहा उसने? तुम्हें लगता है मुझे इसकी भाषा समझ आई होगी? वो क्या है? जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी, मैंने पूरी कोशिश की थी। फ्लटरशाय, ये पहले से बहुत बेहतर है। तुमने बहुत अच्छा किया फ्लटरशाय। नहीं, नहीं किया, मैंने अपने डर पर काबू पा लिया था, पर फिर भी काम नहीं बना। अब मैं कल 10.0 की विंग पावर से नहीं उड़ सकती। क्या हुआ अगर तुम 10 की विंग पावर से नहीं उड़ सकती? जितना करो काफी है। कैसा लगेगा अगर बाकी पोनीज 10.0 के विंग पावर से उड़ रही हो और तुम्हारी विंग पावर सिर्फ 2.5 हो? दरअसल वो सिर्फ 2.3 ही थी। आओ। मुझे लगेगा बिल्कुल सही। शर्मिंदगी। I'm sorry Rainbow Dash, मैं ये नहीं कर सकती। कोई बात नहीं रेनबो डैश, तुम्हारे पास अभी भी अपने टॉर्नेडो के लिए काफी सारी विंग पावर है, तुम कामयाब होगी। काश फ्लटरशाय को निराशा से बाहर निकालने का कोई तरीका होता। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। देखो, आलसी थंडरलेन कहाँ है? वो कब से अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहा था अपनी झूठी खांसी के साथ। रंबल, तुम्हारा आलसी भाई कहाँ है? उसे फेदर फ्लू हुआ है, वो पोनीविल हॉस्पिटल में है। पर वो अकेला नहीं है। चलो देखते हैं फ्लू की वजह से बाहर हुए एक पेगासाई के बगैर। ओह नो, ये मत कहना कि हम विंड स्पीड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। नहीं, तुम शायद इतना पावरफुल टोर्नेडो ही पैदा नहीं कर पाओगे जो क्लाउड्स टेल तक पानी पहुंचा सके। वेल, हमें बैकअप करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड को भूल जाओ, क्लाउड्स टेल को अभी भी पानी की जरूरत है। ओके एवरी पोनी, चलो अपनी पूरी ताकत लगा ले। ओके आवाज से हम टेक ऑफ करेंगे। क्या 800 विंग पावर पैदा कर पाएंगे? उम्मीद तो यही है। 150 विंग पावर, 250 विंग पावर, 500 विंग पावर, 750 विंग पावर। ट्वाइलाइट, फ्लटरशाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा अगर मैं रेनबो डैश की टोर्नेडो बनाने में मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हौसला बढ़ा दूँ। उसे इसकी जरूरत है क्योंकि आज पेगासाई फ्लैटर फ्लू की वजह से बीमार पड़ गए हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और वैसे हम 800 विंग पावर के काफी करीब थे। I'm sorry, Rainbow Dash. हमें फिर से कोशिश करनी होगी। और सब अपनी पूरी ताकत पहले लगा चुके हैं। अगर तुम फिर से रुकी तो किसी पोनी को चोट लग सकती है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, ये सेफ नहीं है। नहीं, एक बार और, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने पूरी जान लगा दी। अगर मैं हारूंगी तो मैं उड़ते हुए हारना चाहती हूँ। बस Come on, ponies, चलो करके दिखाते हैं। शुरू करते हैं। 100 विंग पावर, 200, 500। तुम अपने पोजीशन में रहो, विंग्स को चलने दो। 700,
नदी में पड़ गए थे। ओ नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। कम ऑन, थोड़ी और कोशिश करो। मैं पानी को ऊपर आते हुए देख पा रही हूँ। 795, हम बहुत करीब हैं। फ्लटरशाई, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरे वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा फ्लटरशाई। मेरी कमजोर 2.3 विंग पावर अभी भी बहुत कम है। ये 975 पर रुका हुआ है, पता नहीं वो तेज कर पाएंगे या नहीं। कर दिखाओ इक्वेस्ट्रिया के लिए, रेनबो डैश के लिए, कर दिखाओ अपने लिए। बहुत खूब रेनबो डैश, तुम रिकॉर्ड सेट नहीं कर पाई पर तुमने दिखाया कि तुम्हें बहुत हिम्मत है। थैंक्स। अगर हिम्मत की बात करें तो दाद देनी होगी मेरी नंबर वन फ्लायर फ्लटरशाई को। हो जाए फ्लटरशाई के लिए। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, कभी कभी आपको लगता है कि आपके पास जो है वो बहुत कम है, पर आज मैंने जाना कि हर पोनी का सहयोग कितना जरूरी होता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। अगर आप अपना सर ऊंचा रखें और पूरी कोशिश करें और खुद पर यकीन करें तो कुछ भी हो सकता है। मैंने उसे कहाँ रख दिया? ओह, मुझे लगा मैंने पहले ही। ओह, मैं कैसे भूल सकती हूँ? ओह, अब मैं इसे कैसे पूरा करूंगी? क्या तुम्हें यकीन है मदद नहीं चाहिए? मैं तुम्हें नहीं, शायद बस नहीं, शुक्रिया। अगर मैं चुपचाप खड़ी रहो। मगर यहाँ तुम मेरे काम के बीच मत आओ। रिबन, 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 कहाँ है रिबन? मुझे मिल गया। मैं जाकर वहाँ खड़ी हो जाती हूँ जहाँ मैं तुम्हारे काम के बीच में ना आऊँ। My little pony, my little pony. Beautiful दिल जो है strong भी, sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी दो, जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। कम से कम सफाई करने में तो मदद ले लो।
नहीं, तुमने पहले ही बहुत मदद कर ली। माफ करना सिस, मुझे लगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे मेरे स्पेशल गिफ्ट के बारे में पता चले और मुझे मेरा क्यूटी मार्क मिल जाए। मैं समझ सकती हूं, पर अभी ऐसा है कि मुझे ये ऑर्डर बिना किसी मुसीबत के टाइम पर कंप्लीट करना है। ओके, सब हो गया, अब वापस काम पर लग जाती हूँ। मेरा पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, अब और कोई ना। अब कौन है? माफ करना, मुझे लगा ओपन साइन का मतलब तुम्हारी दुकान खुली है, पर शायद मुझसे गलती हो गई। फ्लटरशाई, मुझे माफ कर दो, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम ओपल को उसके ग्रूमिंग से वापस लाने वाली हो। ओ, कोई बात नहीं रैरिटी, मैंने उसे वहाँ उसकी बास्केट में रख दिया। ओह, ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब कैसे कर लेती हो। मैं तो उसके पंजों से मार खाए बिना उसके पास भी नहीं जा सकती। क्या तुमने उस पर अपनी स्टेयर का इस्तेमाल किया? ओ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कर ही नहीं सकती। वो जब भी होता है अपने आप होता है, मेरे काबू में नहीं है। नहीं, मुझे बस जानवरों को संभालना आता है, ये मेरा स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हारे अपने क्यूटी मार्क पर बटरफ्लाईज की जगह ओपल की पिक्चर होनी चाहिए थी। ओ, 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 शायद मैं जानवरों को संभाल सकती हूँ या शायद नहीं। माफ करना, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती फ्लटरशाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना पचा सकती हूँ उससे ज्यादा खा चुकी हूँ। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं स्वीटी, ये एक मुहावरा है, मतलब कि मैं जितना काम संभाल सकती हूँ उससे ज्यादा काम ले लिया है। मुझे आज रात ऐसे 20 स्पेशल रोब्स बनाने हैं, इन्हें कल सुबह टॉटिंगम पहुँचाना है। ये देखो, मैंने इनमें ये स्पेशल गोल्ड सिल्क लगाया है, इसे बनाने में बहुत वक्त लगा पर मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टच देता है। ये खूबसूरत है, मगर 20 आज रात से पहले ये कैसे करोगी? वेल, मैं ओ, 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 शायद मैं बस यहाँ खड़े रहकर देख सकती हूँ। मैं संभाल लूंगी। वेल, मुझे चलना चाहिए ताकि तुम काम कर सको। हेलो गर्ल्स, ब्लूम, आज रात के लिए तैयार हो? यप, क्यूटी मार्क प्लानिंग सेशन। आज रात हम सब अपना स्पेशल टैलेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें पूरी रात क्यों ना लग जाए। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार। क्यूटी मार्क सेशन आज रात करेंगे, और देंगे ये। और देखो मैंने हमारे लिए क्या बनाया। ओ वाओ, ये तो बहुत ही कूल है। ये केप पर पैच का क्या मतलब है? क्यूटी मार्क क्रुसेडर्स। ये हम एक क्रुसेड पर है, एक मिशन पर, हमारे क्यूटी मार्क्स पाने के लिए। यप, और देखो मैंने इनमें स्पेशल गोल्ड सिल्क भी लगाया है। ये बनाने में बहुत वक्त लगा पर मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टच देता है। क्या कहती हो स्वीटी बेल? ये तुमने क्या किया? वो गोल्ड सिल्क का आखिरी टुकड़ा बचा था, अब मुझे और बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है मैं बना पाऊँ, मुझे अब सारी रात काम करना पड़ेगा। जिसका मतलब, सॉरी गर्ल्स, मुझे डर है हमें क्रुसेडर स्लीपओवर कैंसिल करना होगा। क्या? अगर मुझे रोब्स टाइम पर डिलीवर करना है तो मैं तुम लोगों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। मगर इस बार कोई अगर मगर नहीं, आई एम सॉरी स्वीटी बेल, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं आज मैं इन्हें अपने पास रख लूंगी। मैं तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं पूछ सकती। इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम मेरी बहन और उसके दोस्तों से मिली हो? वो परेशानी का दूसरा नाम है। क्या मुझे ओपल एसेंस के साथ कोई परेशानी हुई? तुम तो जानती हो मैं एनिमल्स को संभालने में माहिर हूं। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो और मुझे बहुत से काम बाकी हैं। कम ऑन, इसमें बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत शैतान है। ये प्यारी छोटी एंजल्स। वेल, तो ठीक है। So cute. मेरे लिए रुको। इसमें कितना मजा आएगा। हम एक अच्छी सी टी पार्टी रख सकते हैं और फिर एक दूसरे की पूंछ के बाल सवारेंगे और चुपचाप बैठकर पेंटिंग्स बना सकते हैं और एक दूसरे को हेलो फ्लटरशाई। हेलो ट्वाइलाइट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं एवरफ्री फॉरेस्ट में जैकोआ के यहाँ जा रही हूँ अपनी फेवरेट चाय की पत्ती लाने। एवरफ्री फॉरेस्ट, तुम अपना ध्यान रखोगी है ना? बिल्कुल, तुम बताओ तुम इन लड़कियों के साथ क्या कर रही हो? रैरिटी को आज एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना है, इसलिए मैं इन्हें घर ले जा रही हूँ स्लीप ओवर के लिए। वाओ, लगता है सभी पोनीज के पास बहुत काम है। तुम इन तीनों का ध्यान रखना, वो भी अकेले।
तुम्हें यकीन है ना तुम इन्हें संभाल लोगी? क्या ये प्यारी लिटिल एंजल्स, इनसे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ओके गर्ल्स, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना मार्क लूंगी। गर्ल्स नहीं मैं। क्या? नहीं मैं। गर्ल्स ठीक है, अब पूरी रात जागने वाली। मैं भी। मैं जानती हूँ तुम लोग एक्साइटेड हो, पर गर्ल्स संभल के। गर्ल्स तुम लोग क्या करना चाहते हो, कोई खेल खेले? हम हैं क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स और हम अपने क्यूटी मार्क्स के लिए लड़ने वाले हैं। और हम जो भी इन्होंने कहा। पता नहीं, एक प्यारी सी शांत टी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? ओह हाँ, फिर हम एवरफ्री फॉरेस्ट में घूमने जा सकते हैं। हाँ। ओह नहीं, एवरफ्री फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ बहुत सारे अजीब एनिमल्स रहते हैं। पर तुम हमारे साथ आकर जानवरों को पकड़ सकती हो, हम बन सकते हैं क्रीचर कैचर्स। ये मैं एवरफ्री फॉरेस्ट का एक खतरनाक जानवर हूँ। हे फॉरेस्ट के खतरनाक जानवर, मैं हूँ स्वीटी बेल और मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आई हूँ। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकती, मैं बहुत ताकतवर और खतरनाक हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। शायद ये एक गर्ल्स कैसा रहेगा अगर हम पेंटिंग करें? वापस आओ खतरनाक जानवर, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। कभी नहीं। तुम खर्च तोड़ मत देना। सॉरी फ्लटरशाय। हाँ सॉरी, शायद हम क्रीचर कैचर्स नहीं हैं। ओह गर्ल्स कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, हम बन सकते हैं क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स कारपेंटर्स। कारपेंटर हथौड़ा 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 हथौड़ा। ये किसी टेबल जैसा नहीं लग रहा। हम टेबल बना रहे थे। किसी पोनी को तो इस बेचारी चीज को ठीक करना ही पड़ेगा। हम क्यूटी मार्क कारपेंटर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। वैसे भी हथौड़े के मार्क किसी को नहीं चाहिए। वेल, अब जब ये खत्म हो गया, क्यों ना हम एक गेम खेलें? एक गेम? इसका नाम है ये क्या होता है? वेल, इस गेम का मतलब है कौन सबसे ज्यादा देर तक चुप रह सकता है। मैं इसमें वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं हार मानती हूँ। मैं भी। नहीं। ओके, अब क्या कर सकते हैं? ओह, क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स कोल माइनस कैसा रहेगा? नहीं। ओह। मतलब अब सोने का वक्त हो चुका है। क्या तुम लोग अपने आरामदायक स्नगली वगली बेड्स में जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? स्नगली वगली? पर अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। हमारे पास प्लान्स हैं और केप्स भी। ओके, शायद बाकी की लड़कियां सुबह तक इंतजार कर सकती हैं, जब बाहर उजाला होगा और इतना अंधेरा नहीं होगा। पर हम नींद में अपना स्पेशल टैलेंट कैसे पता करेंगे? शायद तुम्हें स्पेशल टैलेंट के बारे में एक प्यारा सा सपना दिख जाए। पर अभी हम थके भी नहीं है, तो फिर एक लोरी कैसी रहेगी? ये वाली तो मुझे भी आती है। ओह बहुत अच्छे, क्यों ना तुम भी मेरे साथ गाओ। चुप रहो, कुछ ना कहो, बेटा तुम्हारे सोने का, आओ हमको दिखलाओ वो सपनों की दुनिया। ओके स्वीटी, ये तो बहुत। चलो आराम से सो जाओ, एक्साइटिंग दिन खत्म, सपनों की दुनिया में खो जाओ, खुशियां ना होंगी कम। थैंक यू स्वीटी। चुप रहो, कुछ ना कहो, बेटा तुम्हारे सोने का, आओ हमको दिखलाओ वो सपनों की।
गर्ल्स, फ्लटरशाय, तुम्हारे चिकन्स भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। डरो मत फ्लटरशाय, इसे हम संभाल लेंगे। क्यूटी मैक्रोसेडस चिकन पकड़ने वाले। नहीं, मुझे नहीं लगता वो एक वापस आ जाओ। अंदर चलो, चलो अंदर जाओ। तुम बहुत अच्छे चिकन्स हो। ओके, तुम तीनों अब सोने का वक्त हो गया है ना? मगर प्लीज। तो आज रात के लिए इतना काफी है ना? हाँ फ्लटरशाय, हम प्रॉमिस करते हैं फ्लटरशाय। गुड नाइट फ्लटरशाय। ठीक है, गुड नाइट। ओके, तो हमारी अगली क्रूसेडिंग क्या होगी? हम इस कमरे में रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम ना बन जाए क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स कॉटेज क्लीनर्स। नहीं थैंक्स। वेल, हमें कुछ तो सोचना होगा। हम अपने स्पेशल टैलेंट्स को पता करने के इस मौके को यूं ही नहीं गवा सकते। हे गर्ल्स, देखो, लगता है कुछ चिकन शायद भाग गए हैं जंगल में। क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स चिकन बचाने वाले तैयार हैं। मेरा मतलब ये इतना मुश्किल नहीं था। वैसे बस मुझे उन्हें ये बताना था कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है। फ्लटरशाय से कोई नहीं बच सकता। एनिमल्स को संभालने वाली बच्चों को संभाल सकती है। मेरे लिए रुको, रुको। कितनी शांति है। कुछ ज्यादा ही शांति है। गर्ल्स, गर्ल्स, एलिजाबेथ, वो गायब है। गर्ल्स, ओ नहीं, वो जरूर मेरे गायब चिकन को ढूंढने गई होंगी, जिसका मतलब है वो गई होंगी एवरफ्री फॉरेस्ट में। इस बार तो उन गर्ल्स ने हद ही कर दी। इस बार जितना पचा सकती है उससे ज्यादा खा लिया। ओह, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे उनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ आओ चिक 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 ब्रांक ब्रांक ब्रांक। तुम ये क्या कर रही हो? चिकन्स को बुला रही हूँ। चिकन को ऐसे थोड़ी ही बुलाते हैं। ओह, तो तुम्हें पता है चिकन्स को कैसे बुलाते हैं? चिकन्स को बुलाने का ये तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका दिखाओ। मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस एक डरपोक हो। मैं नहीं हूँ। और रुको, अब मुझे पता चला चिकन्स को कैसे बुलाते हैं। ओ, ये फनी था, मैं हंसता तो भूल ही गई। तुम तो ये भी भूल गई हो कि चिकन्स को कैसे बुलाते हैं। चुप करो तुम। कम ऑन दोस्तों, ऐसे झगड़ने से ना ही हमें क्यूटी मार्क्स मिलेंगे और ना ही चिकन्स। शायद यही हमारा स्पेशल टैलेंट है, झगड़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। यही है। नहीं है। हाँ है। कुछ मिला? नहीं। ओह। यहाँ आओ, चिक 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 ब्लॉक गर्ल्स, गर्ल्स, अपने आप पर काबू रखो फ्लटरशाय। बस अपना एक पैर दूसरे के आगे रखो। वो क्या था? ट्वाइलाइट, क्या वो तुम हो? ओह ट्वाइलाइट, तुम यही हो। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गर्ल्स यहीं पर कहीं और मुझे डर है। ये तुम्हें क्या हुआ? ओह नहीं, अगर तुम पत्थर में बदल गई हो तो इसका मतलब, ओह नहीं। गर्ल्स, हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। गर्ल्स, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं है। हाँ है। गर्ल्स, हमारा स्पेशल टैलेंट है झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा ऐसी पोनी जिसका स्पेशल टैलेंट है झगड़ना, उसका क्यूटी मार्क कैसा होगा? गर्ल्स, गर्ल्स,
फ्लटरशाई। गर्ल्स, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। फ्लटरशाई, क्या गर्ल्स? हमें अभी इसी वक्त जंगल से निकलना होगा। पर हमें अब तक वो चिकन नहीं मिले हैं। उसके लिए वक्त नहीं है, जंगल में एक कॉकट्रीज घूम रहा है। एक कॉका, क्या कहा? एक कॉकट्रीज, ये एक एनिमल है जिसका सर चिकन जैसा होता है और शरीर सांप जैसा। चिकन का सर और सांप का शरीर? ये डरावना नहीं बल्कि मजाकिया लग रहा है। अगर मुझे कभी वो कॉका वाला कहीं दिख जाए तो मुझे डरने के बजाय उस पर जोर से हंसी आ जाएगी। नहीं, उनकी आंखों में कभी मत देखना। अगर तुम एक कॉकट्रीज की आंखों में देखो तो। चिकन! गर्ल्स रुको, वापस आओ। वो रहा वहाँ। दो दो चिकन? मुझे तो लगा था सिर्फ एक ही चिकन भागा है। दोनों को पकड़ लो। प्रिंसेस के लेटर में जरूर लिखूंगी। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी, तुम्हें बिल्कुल पता है इन गर्ल्स को कैसे संभालते हैं। मैं खुद की तारीफ नहीं करती। हुँ? ऐसा क्यों? मुझे लगा था मैं बच्चों को भी उतनी अच्छी तरह संभाल लूंगी जितने एनिमल्स को, पर मैं गलत थी। मैंने सबक सीख लिया, जितना पचा सकते हो उतना ही खाना चाहिए। तुमने और रैरिटी दोनों ने। गुड मॉर्निंग रैरिटी। हाँ, तुमने वो सारी ड्रेसेस खत्म कर ली? बस अभी उन्हें पहुँचा के आई हूँ। मानना पड़ेगा अगर तुम मदद नहीं करती तो मैं वो नहीं कर पाती। एक बार फिर से थैंक्स। क्या तुम चाय पीना चाहोगी? मुझे शॉप पर जाकर सफाई शुरू कर देनी चाहिए। गर्ल्स अपना सामान ले लो, चलने का वक्त हो गया है। गर्ल्स, 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 चलो, गर्ल्स, चलने का वक्त हो गया है। गर्ल्स, मैं देखती हूँ। गर्ल्स, हाँ फ्लटरशाई, तुमने बुलाया? अपना सामान लेकर आओ, रैरिटी तुम्हें घर ले जाने आई है। ठीक है फ्लटरशाई, अभी लाते हैं। तुमने ये कैसे किया? मेरे ख्याल से मैं बच्चों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। बाय, थैंक यू लॉट। इससे मुझे याद आया कि मुझे ओपल के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आज दोपहर कैसा रहेगा? अभी कैसा रहेगा? माफ करना फ्लटरशाई, मुझे हमारी वीकली गेट टुगेदर के लिए लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम्हें यकीन नहीं होगा आज मेरे साथ क्या हुआ। सब ठीक तो है?
ओह ठीक से भी बहुत बेहतर। मैं यहाँ आ रही थी अपनी लेटेस्ट हैट पहने हुए और तभी मुझे सड़क पर किसी ने रोका और मैंने देखा वो फोटो फिनिश थी। फोटो फिनिश? वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे फेमस फैशन फोटोग्राफर है। खैर उसने मेरी हैट देखी और कहा ये सबसे अलग और सबसे हटकर है। कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। वो मुझसे इतनी इम्प्रेस हुई कि वो एक फोटो शूट करना चाहती है मेरी शॉप में मेरे कुछ ड्रेसेस के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है मेरे फैशन करियर के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? रैरिटी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर मुझे अपने लिए कोई शानदार पोनी मॉडल चाहिए होगी, कोई खूबसूरत पोनी, एक ऐसी पोनी जिसमें अदा हो, एक पोनी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ओह गुडनेस, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है मेरे लिए और ये काफी मायने रखता है। मुझे खुशी हुई सच में। कोई भी पोनी तुम्हारे जितनी खूबसूरत और आकर्षक नहीं है। मगर कोई भी नहीं है। कोई तो ऐसा होगा जो इस काम। प्लीज कोई पोनी जो फैशन के बारे में जानती हो, कोई ऐसे जो कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो। प्लीज प्लीज। ओह अगर ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं जरूर करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। दिन बिताने का ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, है ना? मुझे डर था तुम मेरे लिए मॉडलिंग करने के लिए शायद राजी नहीं होगी। घबराहट के मारे एक पिंपल आ गया, इसका एक ही इलाज है, वही हमेशा वाला। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी। एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। वो तुम्हारा एटीट्यूड और ग्लैमर देखना चाहेगी। एटीट्यूड और ग्लैमर? और लाइट लाओ। फोटो में ये सीक्विन बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, इसके बिना ये पूरी ड्रेस बेकार है। ओह और हेड ड्रेस में और पंख चाहिए, पिंकी पाई और पंख। और सीक्वेंस, कुछ और सीक्वेंस। और ज्यादा रिबन्स। ओ नहीं, थोड़े कम रिबन्स। नहीं, ज्यादा रिबन्स। ओह ये झालर तो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। पिन कुशन। मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो माफी चाहती हूँ, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। ओह क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मोटी चमड़ी, कुछ भी महसूस नहीं होता, और होगा तो भी तो ऐसा कोई दर्द नहीं जो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत पोनी की मदद करने से रोक सके। मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, पर प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ। क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू फ्लाई, स्टिक अ कपकेक इन माय आई। मुझे रैरिटी पर क्रश है। हम किसी से एक भी शब्द नहीं कहेंगे। जरा एक मिनट, हर पोनी को पहले से ही पता है कि तुमने स्पाइक से प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ नहीं कहोगी, और किसी दोस्त का भरोसा तोड़ना उस दोस्त को हमेशा के लिए खो देने का सबसे आसान तरीका है, हमेशा के लिए। मेरे मुंह पे ताला लग चुका है, पर कभी ना कभी रारेटी को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। मैं फोटो फिनिश यहाँ आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तुम्हें देखकर मैं बहुत। शुरू करते हैं अभी। एटीट्यूड और ग्लैमर रखना। हाँ, फोटो फिनिश को कुछ दिखाओ। नहीं, हाँ नहीं, नहीं, हाँ
काफी है। उसने बहुत कम तस्वीरें ली। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने पूरी कोशिश की। वो हेडड्रेस तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थी और केप बहुत ज्यादा चमकीला था। मैं उसे किसी भी तरह इम्प्रेस नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मैंने फोटो फिनिश ने अगला फैशन स्टार ढूंढ लिया है यहाँ पोनीविल में। क्या वाकई? हाँ वाकई, और मैं फोटो फिनिश उसे सारे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर बनाने में मदद करूंगी। कल एक फोटो शूट होगा पार्क में, मैं चलती हूँ। क्या तुमने वो सुना? मैं पूरे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर होने वाली हूँ। ओह रैरिटी, मैं इतनी परेशान थी, मुझे लगा मैंने सब गड़बड़ कर दी। ओह बिल्कुल नहीं, मैं जानती थी तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। फोटो फिनिश को ये जरूर पसंद आएगा, सब पोनीज को ये जरूर पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस जब तुम एक्वेस्ट्रिया की सबसे मशहूर डिजाइनर बन जाओ तो हम छोटी पोनीज को भूल मत जाना। कभी नहीं। मुझे यहाँ नीचे उतारो। ओह ना 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 ना, मॉडल को कुछ सिंपल पहनना चाहिए, कुछ ऐसा जो इंस्पायर्ड हो नेचर से। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही थी। मुझे बस एक मिनट दो, मैं फटाफट सब कुछ तैयार करती हूँ। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर अगर मैं इन पिक्चर्स के लिए कुछ नया डिजाइन नहीं करूँगी तो मुझे पूरे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर करने में मदद कैसे करोगी? मैं मशहूर होने में तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, मैं मशहूर होने में मदद करूंगी उसकी। वो है मेरी स्टार, तुम निकलो। मैं नहीं कर सकती रैरिटी। ओह, पर तुम्हें ये करना ही होगा फ्लटरशाय। फोटो फिनिश तुम्हें एक स्टार बनाना चाहती है, ये एक सुनहरा मौका है। मैं जानती हूँ हम दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का, पर कोई बात नहीं, तुम्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा, तुम्हें करना होगा, करना होगा, करना होगा। फ्लटरशाय, अब वक्त है दिखाने का अपना मैजिक। शानदार, तुम एक फूल की तरह नाजुक हो, उन बेकार पंखों और चमक धमक के बिना भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। कैसा रहा सब, कैसा रहा? कुछ नहीं, फोटो फिनिश फ्लटरशाय के साथ काम करना चाहती है, मेरे साथ नहीं। ओह रैरिटी, आई एम सो सॉरी, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? इस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। तुमने सुना ना, वो रहना चाहती है अकेली। क्या, मुझे नहीं लगता उसका मतलब अकेले वाला अकेले था। बहुत ज्यादा ब्लश है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा, काफी नहीं। परफेक्ट। यस, इसकी तो चीक में भी अदा है। अब जाओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? बहुत खुश? ऐसा ख्वाब में भी सोचा था? नर्वस। नर्वस? बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पोनीज की भीड़ का सामना करना है जो तुम्हारी हर चाल को देख रही होगी और तुम्हें जज कर रही होगी। तुम्हारी बारी, अब जाओ। तुम रैरिटी को निराश नहीं कर सकती, तुम्हें करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। वो कितनी प्यारी है, क्या अदा है।
तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा ना? ओह हाँ, अब तक का सबसे बेस्ट टाइम। फ्लटरशाई, मैं तुम्हें सब तरफ ढूंढ रही थी। हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं तुम्हें स्पा में मिलती हूँ हमेशा वाले टाइम पर। हाँ बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे काम के बारे में सुनने के लिए। अभी इस वक्त लोगों को मेरे पीछे भागना चाहिए था। कहरा उस बुटीक में आपका स्वागत है। क्या वो अब भी यहीं पर है? हमने सुना फ्लटरशाई यहाँ पर थी। सॉरी तुम्हें देर हो गई, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे बेस्ट डिजाइन्स पर शानदार सेल चल रही है। और तुम हो रैरिटी, और कौन? तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं। बिल्कुल, मैं फोटो फिनिश उसे ढूंढकर बेहद खुश हूँ। फोटो फिनिश? वो कैमरे के सामने बिल्कुल नेचुरल है। फोटो फिनिश? मुझे बस पॉइंट करना है, शूट करना है और कैप्चर करना है मैजिक को। फोटो फिनिश, बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे देर हो रही। मैं भूल कैसे सकती हूँ, बैले की ओपनिंग में तुम्हारी अपीयरेंस, हर वो पोनी जो मशहूर है वहाँ आने वाली है। दरअसल मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। हमें चलना होगा। मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ, मेरे पैरों में झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। लगता है फ्लटरशाई अपने नए करियर में इतनी बिजी है कि उसके पास अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं। मुझे यकीन है वो कहीं काम में फंस गई होगी। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है। उम्मीद करती हूँ वो स्टार चल जाए। रैरिटी, फ्लटरशाई तुम्हारी दोस्त है। जानती हूँ और मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, पर इसके बजाय मैं जेलस हो रही हूँ। ओ प्लीज मुझे प्रॉमिस करो तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। प्लीज 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 प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, किसी दोस्त का भरोसा तोड़ना उसे खोने का सबसे आसान तरीका है। हमेशा के लिए। वाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मानो फ्लटरशाई सबसे मशहूर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छा दिखना बंद कर दें। रैरिटी, माफ करना मैं। ओह नहीं, वो चली गई है ना? हाँ फ्लटरशाई। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरा चिल्लाने का मन कर रहा है। अब अच्छा लग रहा है? नहीं। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। प्रॉमिस करो तुम रैरिटी को नहीं बताओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। पिंकी पाई तुम भी। क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू फ्लाई, स्टिक अ कपकेक इन माय आई। मुझे मॉडल बनना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मुझे मॉडल बनने से नफरत है। इतनी सारी अटेंशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रैरिटी ने मुझसे कहा, और मुझे करना होगा। करना ही होगा। ओह सच में? वाओ, अगर तुम सच जाना चाहती हो तो रैरिटी। ओह तुम क्या कहने वाली थी? हमेशा के लिए। कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी, अगर तुम्हें मॉडलिंग पसंद नहीं तो तुम जब चाहो छोड़ सकती हो। ओ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, रैरिटी को बहुत बुरा लगेगा। पर रैरिटी ने मुझे बताया कि जूसी। ओह, अगर ये सारी पोनीज मुझे पसंद नहीं करती तो फोटो फिनिश मुझसे और मॉडलिंग नहीं करवाती। वो किसी और पोनी को ढूंढ लेगी जिसके पास हो द मैजिक। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो। वाओ, ये तो फ्लटरशाई है।
देखा नहीं, फ्लटरशाई अपने आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि खूबसूरत ना हो, पर अगर मैं उसके अगले फैशन शो में कुछ बेकार करने में उसकी मदद करूं, तो कोई भी उससे मॉडलिंग करवाना नहीं चाहेगा। और अगर फ्लटरशाई को मॉडल बनने की जरूरत नहीं होगी तो रारेची उसे जलस भी नहीं होगी, और मुझे उनके सीक्रेट्स छुपा कर रहने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताना। प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं बताओगी। तो क्या तुम प्रॉमिस करती हो या नहीं? ओह हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने अपने मुंह को जिप किया, फिर उस पर ताला लगाया और फिर एक गड्ढा खोदा, फिर चाबी को उस गड्ढे में डाल दिया, फिर जिस गड्ढे में मैंने चाबी गाड़ी उस पर एक घर बनाया। ओके, समझ गई। तुम्हें वाकई लगता है ये काम करेगा? वो तुम्हें तुम जैसा होने की वजह से पसंद करते हैं, तो तुम्हें वैसा ही बने रहना जैसी तुम हो, बस मुझ पर छोड़ दो। वक्त है ये देखने का कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बारे में कुछ पता है। Well, अगर उस पोनी को ये पसंद आया तो फिर मुझे भी ये बहुत पसंद आया। बहुत खूब। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बिल्कुल बुरा। मैं पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। ओह, मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ तोड़ने का मन कर रहा है। रारिटी ने मुझ पे मॉडल बनने के लिए इतना दबाव नहीं डाला होता। मगर रारिटी, फ्लरिशा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं एक सुपर फेमस फैशन मॉडल हूँ। मैं भला ठीक क्यों नहीं होंगी? क्योंकि तुम्हें वहाँ रैंप पर सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे। ओह फ्लरिशा, मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं यही चाहती थी। सच में? हाँ बिल्कुल, वो यही चाहती थी क्योंकि मैं जेलस हूँ। वो सारी अटेंशन जो मैं चाहती थी वो तुम्हें मिल गई। मैंने ये सोचा काश किसी दिन तुम कुछ उल्टा सीधा करो और तुम्हारा मॉडलिंग करियर खत्म हो जाए, पर जब ऐसा सच में होने लगा तो मैंने सोचा मैं कैसे तुम्हें उस चीज में फेल होते देख सकती हूँ जो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है। मगर फ्लटरशाई को नहीं पसंद। ओह रारिटी, मुझे मॉडल बनने से नफरत है। सच में? सबसे ज्यादा। तो फिर तुम अब तक ये सब क्यों करती रही? मुझे डर था कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो तुम मुझसे एक्वेस्ट्रिया में मशहूर ना होने के लिए नाराज ना हो जाओ। और मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें अपनी जेलसी के बारे में बताया तो मैं बुरी दोस्त साबित होंगी। कभी नहीं। तो इतने दिनों तक काश हमने एक दूसरे को सच बता दिया होता। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे कभी नहीं छुपाऊंगी। मैं भी। क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू फ्लाई स्टिक अप इन माय आई। तुम लाजवाब थी, लाजवाब। मेरे पास कल के लिए ही 6 फोटोशूट का ऑफर आ गया है। ओ, मुझे माफ करना फोटो फिनिश, पर मुझे नहीं लगता मैं उनमें से किसी में भी आ पाऊंगी। क्या हम करते हैं? ये सब क्या हो रहा है? स्पाइक और रारिटी पे क्रश है। तुम अब तक बहुत अच्छा कर रही थी।
दिन बिताने के लिए ये तो सबसे अच्छा तरीका है, है ना सच में? जी हाँ प्रिंसेस सेलेस्टिया, एक अच्छे दोस्त का मतलब है कि वो आपके सीक्रेट संभाल कर रख सके, पर एक अच्छे दोस्त को अपनी फीलिंग्स बताने से घबराना नहीं चाहिए। क्या तुमने सब लिख दिया स्पाइक? नहीं, मैंने नहीं लिखा। यकीन नहीं होता तुमने मेरा सीक्रेट किसी और को बता दिया। तुम सही कह रहे हो, मैंने गलत किया और मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, माफ किया। क्या अब तुम मेरा लेटर प्रिंसेस सेलेस्टिया तक पहुँचाओगे? मुझे खुशी होगी, पर इस वक्त मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। आह।